किसी भी खेल को खेलने के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती, उसके लिए जरूरत होती है हिम्मत की, ईमानदारी की, जज्बे की। और जिसके अंदर ये होता है वो इस दुनिया का कोई भी खेल खेल सकता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कूल रनिंग्स। ये कहानी है जमैका आइलैंड कंट्री की, जहां की पॉपुलेशन आज भी 30 लाख से ज्यादा नहीं है। वक्त होता है नवंबर 1987। यहां पर एक स्प्रिंटर को दिखाया जाता है जो अगले साल यानी कि सन 1988 में होने वाले ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहता है, गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, ताकि वो अपने देश का नाम रोशन कर सके। इसका नाम डेरिस होता है। डेरिस हर वक्त अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करता रहता है। जमैका में एक इवेंट होता है जिसे कहते हैं पुश कार्ट इवेंट। इसमें पहाड़ की चोटी से नीचे ढलान की तरफ लकड़ी की बनाई हुई गाड़ी को धकेला जाता है, जो लगभग 60 की स्पीड से नीचे ढलान पर उतरती हुई आती है। इन गाड़ियों में किसी तरह का कोई भी इंजन नहीं होता। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम संका है, और पिछले 6 सालों से वो इस रेस को लगातार जीतता आ रहा है। संका डेरिस का बहुत अच्छा दोस्त है, दोनों बचपन से एक साथ हैं, और संका चाहता है कि इस बार वो 7वीं बार जीतकर अपने रिकॉर्ड को कायम रखे। लेकिन जब वो रेस में शामिल होता है तो उसकी गाड़ी ट्रैक से यानी कि रोड से बाहर निकल जाती है और वो इस रेस को हार जाता है। वहीं अब डेरिस का ओलंपिक में शामिल होने के लिए ट्रायल होता है। डेरिस की गर्लफ्रेंड उससे पूछती है, क्या तुम नर्वस हो? वो कहते हैं, मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं इस दिन का कई सालों से इंतजार कर रहा था। और अब डेरिस ट्रैक पर पहुंच जाता है जहां पर उसी की तरह और भी रनर्स होते हैं, और जब रनिंग शुरू होती है तो डेरिस सबसे आगे होता है। लेकिन तभी उसके साथ वाला रनर पैर से डेरिस को गिरा देता है। डेरिस के साथ वो खुद भी गिर जाता है और एक और रनर गिरता है जिसकी बॉडी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ये तीनों के तीनों अब ओलंपिक से डिस्क्वालिफाई हो चुके हैं क्योंकि ये रेस हार चुके हैं। इस बात की शिकायत करने के लिए डेरिस चेयरमैन के पास जाता है और वो कहता है कि आपको रेस दोबारा से करवानी चाहिए। वो कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें 4 साल इंतजार करना होगा क्योंकि 4 साल में एक बार ही ओलंपिक्स होते हैं। यहाँ पर डेरिस के डैड की फोटो भी होती है क्योंकि अपने जमाने में वो भी एक बहुत बड़े रनर थे। यहाँ पर उसके डैड की एक और फोटो होती है और उनके साथ एक आदमी होता है जिसका नाम होता है ब्लिट्जर। उसके गले में गोल्ड मेडल होता है और वो चेयरमैन से पूछता है कि ये कौन है। चेयरमैन उसे बताते हैं कि इसका नाम ब्लिट्जर है, जिसने 1968 में बॉबस्लेड गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया था और 1972 में भी उसे गोल्ड मेडल मिला, लेकिन उस गेम में उसने चीटिंग की थी इसीलिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वो चाहता था कि तुम्हारी डैड रनिंग छोड़कर, स्प्रिंटिंग छोड़कर, वो भी बॉबस्लेड में आ जाएं, क्योंकि उसके पास एक थ्योरी थी जिसमें स्प्रिंटर्स को वो बॉबस्लेड गेम खिलवाना चाहता था, और अब वो यहीं रहता है, वो एक बुकी है। डेरिस कहता है, क्या ये इसी आइलैंड पर रहता है? वो कहते कि हाँ, और डेरिस उस आदमी की फोटो जो उसके पिता के साथ होती है वो वहां से लेकर चला जाता है। डेरिस को बॉबस्लेड गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब वो उस गेम के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है तो उसे पता चलता है कि जो गेम जमैका में खेली जाती है जिसका नाम पुश कार्ट है, बॉबस्लेड गेम भी वैसे ही है, लेकिन जमैका ने आज तक इस गेम में कभी भी हिस्सा नहीं लिया, उनके पास इस गेम की टीम ही नहीं है। और अब डेरिस अपने दोस्त संका, जो कि पुश कार्ट का 6 बार लगातार चैंपियन रह चुका है, उसे लेकर ब्लिट्जर के पास जाता है और वो उसे कहता है कि क्यों ना हम बॉबस्लेड गेम की एक टीम बनाएं जिसमें आप हमारे कोच बनो और हम भी ओलंपिक में हिस्सा ले। लेकिन ब्लिट्जर मना कर देता है। वो कहता है कि ना तो जमैका में बर्फ है क्योंकि बॉबस्लेड के लिए बर्फ की जरूरत होती है, और ना ही हमारे पास वक्त है क्योंकि ओलंपिक शुरू होने में अब 3 महीने बाकी रह गए हैं। और वो कहता है, ना मेरे अंदर वो पुराना स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने कभी बॉबस्लेड में गोल्ड मेडल जीता था। डेरिस उसे वो फोटो दिखाता है जिसमें वो और उसके पिता साथ होते हैं। वो कहता है कि 20 साल पहले आप जमैका आए थे ताकि आप यहाँ पर टीम बना सको, मेरे पिता को आप उस टीम में रखना चाहते थे। ब्लिट्जर कहता है कि वो एक बहुत अच्छे रनर थे, वो मात्र 10 सेकेंड्स में 100 मीटर भाग सकते थे। डेरिस कहता है, मैं 9.9 सेकेंड्स में भाग सकता हूँ, उस वक्त आपको कोई मौका नहीं मिला, लेकिन अब आपके सामने एक मौका है, मैं आपका मौका हूँ, हमें बॉबस्लेड गेम की टीम बनानी चाहिए। ब्लिट्जर इस बात के लिए मान जाता है और वो सभी एथलीट्स के पास जाता है। वो सबको बॉबस्लेड गेम का वीडियो दिखाता है क्योंकि इनमें से किसी ने भी पहले बॉबस्लेड को नहीं देखा। ब्लिट्जर बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक गेम है, अगर इस गेम में आप गिरोगे तो आपकी कभी भी हड्डी नहीं टूटेगी बल्कि वो चूर चूर हो जाएगी, इसमें जान का भी रिस्क है। और जब वो एथलीट की तरफ घूमकर पूछता है कि इसमें कौन कौन शामिल होना चाहता है,
तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, सबके सब जा चुके होते हैं। यहाँ पर सिर्फ डेरिस और संका बचे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दो और रनर्स आते हैं और ये दोनों रनर्स वही होते हैं जो डेरिस के साथ क्वालिफाई करते हुए गिर गए थे। और इन दोनों में से एक रनर वो भी होता है जिसने जानबूझकर डेरिस को गिराया था और वो खुद भी गिर गया था, लेकिन अब वो भी इस गेम में शामिल होना चाहता है। बॉबस्लेड गेम के लिए चार लोगों की जरूरत होती है और इनके पास चार लोग हैं, यानी कि इनकी बॉबस्लेड की टीम बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जमैका में बर्फ नहीं है और ना ही बॉबस्लेड के लिए इनके पास ट्रैक है। बॉबस्लेड की जो गाड़ी होती है उसमें टायर्स नहीं होते क्योंकि वो बर्फ के ऊपर फिसलती है, लेकिन इन्हें यहाँ पर टायर वाला बॉबस्लेड यूज करना पड़ेगा ताकि ये प्रैक्टिस कर सके, रूल्स सीख सके। और ब्लिट्जर इन चारों के लिए गाड़ी अरेंज करता है। ये एक तरह का टायर वाला बॉबस्लेड होता है, ना तो इसका कोई अलाइनमेंट है और ना ही इसका कोई बैलेंस, और इन चारों को अब इसी टायर वाले बॉबस्लेड पर प्रैक्टिस करनी होगी, जिसमें इनकी जान को खतरा भी हो सकता है क्योंकि ना तो इनके पास कोई सेफ्टी गार्ड्स हैं और ना ही एक सही ट्रैक। लेकिन फिर भी ये चारों इस पर प्रैक्टिस करते हैं, ये कई बार गिरते हैं। ब्लिट्जर इन्हें सारे रूल सिखाता है। वो डेरिस को फ्रंट सीट पर बिठाता है ताकि वो व्हील को यानी कि गाड़ी को कंट्रोल कर सके। हालांकि संका कहता है कि वो पुशकार्ट का 6 बार चैंपियन रह चुका है, इसीलिए ये हक उसका है। लेकिन ब्लिट्जर कहता है कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, जो भी यहाँ पर बैठेगा उसे बहुत शार्प और बहुत मेहनती होना पड़ेगा, इसीलिए वो डेरिस को चुनता है। और अब ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। शुरू शुरू में इन्हें बिल्कुल भी गाड़ी चलानी नहीं आती, जिसमें ये कई बार गिर भी जाते हैं, पर ब्लिट्जर इन्हें अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करवाता है। और कई हफ्तों की मेहनत के बाद, कई हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद ये बहुत हद तक इस गेम के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब ब्लिट्जर स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन के पास जाता है क्योंकि इन्हें फंडिंग की जरूरत है। अगर इन्हें ओलंपिक के लिए कनाडा जाना है तो इनके पास पैसे होने चाहिए, लेकिन चेयरमैन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है और आज तक इन चारों में से एक ने भी स्लेड के एक भी मैच को नहीं देखा, और तुम चाहते हो कि हम इन चारों को यहां से कनाडा ओलंपिक के लिए भेज दें और अपने देश का नाम खराब करें। हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। ब्लिट्जर वहां से निराश होकर निकल जाता है, लेकिन डेरिस कहता है कि आप चिंता मत करो, हम पैसों का अरेंजमेंट कर लेंगे। ये सड़क पर खड़े होकर अपनी टीम के लिए पैसा मांगते हैं और साथ ही साथ डेरिस कई लोगों के पास स्पॉन्सरशिप के लिए भी जाता है, लेकिन जिसे भी वो ये बताता है कि वो बॉबस्लेड की टीम बनाकर ओलंपिक में जाना चाहते हैं तो सबके सब इनके ऊपर हंसते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। और हर तरफ से मेहनत करने के बाद भी इनके पास पैसे इकट्ठे नहीं होते। इनकी टीम में जो जूनियर होता है, जिसने डेरिस को रनिंग के दौरान गिरा दिया था, वो अपनी गाड़ी बेचकर पैसे ले आता है। और अब इनके पास कनाडा जाने के पैसे हैं और ये पांचों के पांचों कनाडा पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये उस जगह पहुंचते हैं जहां पर इन्हें अपनी टीम को रजिस्टर करवाना होगा, और ब्लिस्टर अपनी टीम को जमैका देश के नाम पर रजिस्टर करवा देता है। ब्लिस्टर को अपनी पुरानी टीम का यहाँ पर एक साथी मिलता है जिसका नाम रॉजर है, और वो उसे कहता है कि हमारे पास स्लेड नहीं है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि ब्लिस्टर ने भी उसकी कभी मदद की थी। और वो इनके लिए एक पुराना स्लेड अरेंज कर देता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता होती है, और इन पांचों को अब इसी से काम चलाना होगा क्योंकि इनके पास नया स्लेड खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और ये अपने उस पुराने स्लेड को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर स्लेड ट्रैक है, जहां पर और भी कई सारे ड्राइवर्स होते हैं। और जब वो इनका स्लेड देखते हैं तो सबके सब खामोश हो जाते हैं क्योंकि इनके पास ये लोहे का एक टुकड़ा होता है, जबकि उनके पास जगमगाते हुए चमचमाते हुए स्लेड्स होते हैं। वो इनका मजाक भी उड़ाते हैं। ब्लिट्जर इन चारों को बताता है कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्राइवर्स हैं और तुम्हारा मुकाबला इनसे है, लेकिन तुम्हें इनकी बात नहीं सुननी। मैंने जो तुम्हें सिखाया, तुम्हें सिर्फ उसी बात पर ध्यान देना है। और अब ये जिंदगी में पहली बार बर्फ के ऊपर स्लेड को चलाएंगे। ब्लिट्जर इनके स्लेड को धक्का देता है और इनका स्लेड अब बर्फ के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा दूर तक ये स्लेड को नहीं चला पाते, ये कंट्रोल नहीं कर पाते। और जब ये एक टनल के अंदर से गुजरते हैं तो वहीं पर इनका स्लेड गिर जाता है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते, ये और प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इन्हें बर्फ पर इस ट्रैक पर स्लेड को चलाने की आदत नहीं होती, इसीलिए एक बार इनका स्लेड आगे निकल जाता और ये उस पर बैठ ही नहीं पाते। और ये फोटो जूनियर के पिता भी देखते हैं। जूनियर वही है जिसने अपनी गाड़ी बेचकर पैसों का अरेंजमेंट किया। उसके पिता को अभी तक ये लग रहा था कि वो मियामी जॉब करने के लिए गया है, और उसके पिता को जब ये पता चलता है कि वो कनाडा में है तो वो उसे लेटर लिखकर वापस घर बुलाते हैं।
इस बात से जूनियर बहुत परेशान हो जाता है। वो बार में अपनी टीममेट के साथ होता है। यहाँ पर कुछ जर्मन स्लेट ड्राइवर्स होते हैं जो इनका मजाक उड़ाते हैं। वो इन्हें कहते हैं कि तुम जहाँ से आए वहीं वापस चले जाओ, बॉब स्लेट तुमसे नहीं होगा। और इसके बाद इनके बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। ब्लिट्जर को इस बात से गुस्सा आता है और वो इन्हें बताता है कि ये सब हमसे नफरत करते हैं, मुझसे नफरत करते हैं, तुमसे नफरत करते हैं, और ये नहीं चाहते कि हम इस गेम में शामिल हो, हम इस गेम को जीतें, हमें इस गेम में क्वालिफाई करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े के बारे में। दरअसल ब्लिट्जर ने जब दूसरा गोल्ड मेडल जीता था तो उस वक्त उसने अपने स्लेट के आगे वेट रख दिया था ताकि उसका स्लेट और भी स्पीड से जाए, और इसीलिए उसे हमेशा के लिए इस गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और अब ये चारों भी समझ चुके हैं कि अगर इन्हें बॉब स्लेट गेम में क्वालिफाई करना है तो इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए अपना देश छोड़कर इतनी दूर आए। और अगली सुबह सुबह ये ब्लिट्जर को उठाते हैं और अब ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। ये दिन रात एक करते थे, ये बहुत मेहनत करते हैं, और जहां पहले बर्फ पर खड़े भी नहीं हो पाते थे, अब ये बर्फ के ऊपर आराम से भागते हैं। और साथ ही साथ इनका स्लेट पर भी कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। और अब वो रात आती है जब इन्हें जजेस के सामने परफॉर्म करना होगा। ब्लिट्जर इन्हें बोलता है कि आज तुम वो करने जा रहे हो जो आज से पहले तुम्हारे देश में किसी ने कभी नहीं किया, और तुम्हें जजेस को यह साबित करना होगा कि तुम वर्ल्ड क्लास स्लेडर्स हो। और ये अपने उसी पुराने स्लेडर्स पर अब ट्रैक पर उतर जाते हैं। इन्हें अपने लैप को एक मिनट से पहले कंप्लीट करना होगा, और जब ये पूरा लैप कंप्लीट कर लेते हैं तो इन सब की नजरें वहां पर होती है जहां पर इनकी टाइमिंग आएगी। और इनका टाइम आता है 59.46 सेकेंड्स, यानी कि इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। इस बात से ब्लिट्जर को बहुत खुशी होती है। और अब ये पांचों के पांचों जश्न मनाते हैं और ये अपनी टीम का नाम रखते हैं कूल रनिंग्स। और तभी इनके पास एक आदमी एक लेटर लेकर आता है, और जब ब्लिट्जर उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, यानी कि जमैका को इस ओलंपिक में ये गेम खेलने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात से ब्लिट्जर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस कमेटी के पास जाता है जिसने इन्हें डिस्क्वालीफाई किया है। यहाँ पे कमेटी में एक मेंबर होता है जिसका नाम होता है कार्ट, और कार्ट किसी जमाने में ब्लिट्जर का कोच था। ब्लिट्जर कहता है कि ये तुम्हारे और मेरे बीच में, जो भी कहना है तुम आमने सामने कह सकते हो। 16 साल पहले मुझसे गलती हुई थी, मैंने चीटिंग की थी, जिसकी वजह से मुझे, मेरे कोच को, मेरे परिवार को, मेरे देश को शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन ये मेरे और तुम्हारे बीच में कार्ट, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मुझसे बदला लो, लेकिन उन लड़कों से मत लो। तुमने जो भी कहा था उन लड़कों ने उस हर चीज को पूरा किया और अब वो क्वालिफाई कर चुके हैं। ये उनका हक है कि वो भी ओलंपिक में शामिल हो, अपने देश के लिए ओलंपिक मैदान पर मार्च करे, वहां पर अपने देश के झंडे को लहराता हुआ देखे। ये फर्स्ट या लास्ट आने के बारे में नहीं है। किसी भी एथलीट के लिए सम्मान की बात होती है, उसका सपना होता है कि वो अपने देश को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करें, और तुम्हें उनसे उनका ये हक नहीं छीनना चाहिए। 16 साल पहले मैं बात भूल गया था, इसीलिए मुझसे गलती हुई, लेकिन इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और जब ये पांचों के पांचों अपने कमरे में होते हैं तभी इन्हें एक फोन आता है और इन्हें बताया जाता है कि इन्होंने ओलंपिक्स में बॉबस्लाइड गेम में क्वालिफाई कर लिया है। ये सुनकर ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इनके मैच से पहले यहाँ पर जूनियर के डैड आ जाते हैं। जूनियर वही है जिसने अपनी डैड की गाड़ी बेच दी थी, और उसके डैड बोलते हैं कि तुम मेरे साथ घर वापस आ रहे हो। जूनियर अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है मेरी टीम को मेरी जरूरत है। उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में भेजा इसलिए नहीं कि तुम यहाँ पर ये सब काम करो। जूनियर कहता है कि जब आप मुझे देखते हो तो आपको क्या दिखता है? उसके डैड कहते हैं कि मुझे एक भटका हुआ बच्चा दिखता है जो लकी है जिसके पास मेरे जैसा डैड है। जूनियर कहता है कि नहीं, मैं भटका नहीं हूँ, मैं एक ओलंपियन हूँ और मैं यहाँ पर अपनी टीम के साथ रुकूंगा। और अब वो दिन आता है जिस दिन का इन सबको इंतजार था, यानी इनकी गेम का पहला दिन। इनका गेम 3 दिन तक चलेगा, और जमैका जो कि एक छोटा सा आइलैंड, छोटा सा देश है, उस देश की टीम जब इस टूर्नामेंट में, इस गेम में उतरती है, ये उनके देश के लिए बहुत शान की बात है। और जब रेस शुरू होती है तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते और ये इस रेस में लास्ट पोजीशन पर आते हैं। इस बात से ब्लिट्जर और इस सब के सब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। संकर डेरिस को कहता है कि तुम दूसरे इंटरनेशनल ड्राइवर्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हम लास्ट आए। हमें अपने ट्रेडिशन को, अपने स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। जिस तरह से हम जमैका में पुश कार्ट गाड़ी को चलाते हैं, उसी तरह से तुम्हें यहाँ पर ड्राइव करना होगा। डेरिस उसकी बात को समझ जाता है और अगले दिन वो अपने जमैकन स्टाइल में स्लेड को ड्राइव करता है।
आज ये अच्छा परफॉर्म करते हैं और ये 8th पोजीशन पर आते हैं, जिसकी वजह से सब चौंक जाते हैं और अगले दिन इनकी आखिरी फाइनल रेस है। रात को ब्लिट्जर जब डेरिस के पास आता है तो डेरिस उससे कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ब्लिट्जर कहता है कि यही ना कि मैंने आज से 16 साल पहले चीटिंग क्यों की थी। वो कहता है मैं पूरी जिंदगी जीतता रहा और जब आप जीतते हो तो आपको जीतने की आदत हो जाती है और आपको किसी भी हालत में जीतना होता है, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। डेरिस कहता है कि मैं समझा नहीं। ब्लिट्जर उसे कहता है कि अगर तुम बिना गोल्ड मेडल के अपनी जिंदगी में संतुष्ट नहीं हो तो चाहे तुम्हें कितने ही गोल्ड मेडल क्यों ना मिल जाए, तुम तब भी संतुष्ट नहीं रहोगे। उसके कहने का मतलब ये होता है कि जिंदगी में मेडल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये जरूरी है, इस बात से फर्क पड़ता है। और अब इनकी रेस का फाइनल डे आ जाता है और पूरा जमैका इन्हें टीवी पर देख रहा होता है। वो सब लोग जो कभी इनका मजाक उड़ाते थे, इन पर हंसते थे, वो आज इन्हें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो खुद इनका मैच देखने के लिए आता है और बड़ी शान से कहता है कि वो हमारी टीम है। अब इनकी रेस शुरू होती है और ये चारों के चारों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनका स्लेड बहुत स्पीड से जा रहा होता है और तभी इनके स्लेड का ब्लेड निकल जाता है, क्योंकि इनका स्लेड बहुत पुराना होता है और फिनिशिंग लाइन से कुछ देर पहले इनका स्लेड बहुत बुरी तरह से पलट जाता है। ये सब के सब ठीक होते हैं और किसी भी कीमत पर ये फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए अपने स्लेड को कंधे पर उठा लेते हैं और फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। और जब ये उस तरफ बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब तालियां बजा रहे होते हैं, वो इन सबको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसी स्पोर्ट्समैनशिप सदियों में एक बार देखने को मिलती है। ब्लिट्जर इन सबको अपने गले से लगा लेता है। यहाँ पर एक फोटोग्राफर इनकी फोटो खींचता है और उसी फोटो को जमैका के स्पोर्ट्स कमेटी का चेयरमैन, जिसने इन्हें फंडिंग करने से मना कर दिया था, वो अपने ऑफिस में लगाता है। यहाँ पर उन्हीं लोगों की फोटो लगती है जिन्होंने जमैका की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में कुछ योगदान दिया है। और अंत में हमें बताया जाता है कि ये पांचों के पांचों जब वापस अपने देश अपने आइलैंड आए तो इन सब का हीरोज की तरह स्वागत किया गया। और 4 साल बाद जब ये दोबारा ओलंपिक खेलने के लिए गए तो वहां भी इन्हें बराबरी का दर्जा, पूरा मान सम्मान मिला, जो इन्हें इस बार नहीं मिला था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कामयाबी के लिए जज्बे की, मेहनत की जरूरत होती है, अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत होती है। हालांकि इन लोगों को गोल्ड मेडल नहीं मिला, लेकिन फिर भी इन्हें वो सम्मान मिला जो शायद गोल्ड मेडल लाने के बाद भी लोगों को नहीं मिलता। तो ये एक रियल इवेंट था जिस पर फिल्म बनी कूल रनिंग्स। ये फिल्म सन 1993 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। इस फिल्म का बजट था $17 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $155 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।